सवाल करते हो छेदी सिंह। वॉरंट निकला है तुम्हारे नाम, हर सुर्खियों में तुम ही तुम छाए हो। प्रभावित, किस किरदार में नजर आने वाले हैं सुपरस्टार सलमान खान इस अपकमिंग फिल्म में। दोस्तों, बीते दिनों फाइनली राधे का ट्रेलर हो चुका है रिलीज, जिसका सलमान खान के तमाम चाहने वाले लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग लिस्ट में बना हुआ है। सलमान खान के तमाम फैंस इस ट्रेलर को दमदार बता रहे हैं और इस ट्रेलर में हमें उनका दमदार एक्शन सीन भी देखने को मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि राधे के ट्रेलर के जरिए सलमान खान ने अल्लू अर्जुन के तमाम फैंस को भी काफी प्रभावित कर दिया है। तो दोस्तों, बात यह है कि फिल्म के ट्रेलर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि अल्लू अर्जुन के फेमस गाने सीटी मीटर को राधे में भी दर्शाया गया है। जी हाँ, इस ट्रेलर में सलमान खान कई जगह इस गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं दिशा पाटनी के साथ। आने वाले दिनों में सीटी मीटर गाने को भी रिलीज करने की तैयारी है, जिसमें दिशा पाटनी और सलमान खान का एक डांस नंबर रखा गया है और इसी वजह से अल्लू अर्जुन के तमाम फैंस राधे के लिए काफी एक्साइटेड हो गए। जब से इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है लगातार इंटरनेट पर सलमान खान के फैंस से शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, सबने ही ट्रेलर को काफी पसंद किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में सलमान खान की पुलिस लुक को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। ये फिल्म होने वाली है सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉन्टेड का सीक्वल। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस पिक्चर में रणदीप हुड्डा विलन के किरदार में नजर आएंगे, जिसके लिए सलमान खान और रणदीप हुड्डा दोनों के ही फैंस बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि दोनों के क्लैश को हमेशा से ही ऑडियंस अप्रिशिएट करते हुए नजर आई है। इस फिल्म के लिए खास तौर पर दिशा पाटनी और सलमान खान एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब पहली बार ऐसा होगा कि सलमान खान और दिशा पाटनी एक पिक्चर के लिए साथ आ रहे हैं, और फिल्म के ट्रेलर में भी हमें यही देखने को मिला कि दोनों की जोड़ी को जो रोमांस करते हुए दिख रही है, इसे ऑडियंस कर रही है काफी पसंद। आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में फिल्म ईद पर रिलीज होगी, क्योंकि जैसा कि हालात चल रहे हैं, कोविड-19 का ये दौर है, इस मुश्किल के दौर में पिक्चर को रिलीज किया जाता है या नहीं, ये देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सलमान खान की ओर से इस बात की पुष्टि की गई कि फिल्म को थिएटर रिलीज ही मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।